हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय एवरीवन। सो आप एक वीडियो के लिए बहुत देर से वेट करते हैं CPA के बारे में, जिसकी वजह से आपने की उसको मैसेज पे मैसेज कर करके परेशान तो कर दिया था, और ये भी बेचारी बड़ी स्वीटली अपने CPA के करिकुलम के साथ रिप्लाई कर रही थी आपको। मतलब मैंने उसको कहा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे, उस पर सारे आंसर्स दे देंगे, तो तू अपना टाइम पढ़ाई पे दे। बट बीइंग द स्वीट पर्सन शी इज, वो आपको सबको रिप्लाई कर रही थी। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको CPA से बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपने हमें भेजे हैं, हम वो सारे क्लियर कर दें। आई होप दिस वीडियो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, राइट कीरत? यस। प्लस अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स पे बताना, कीरत पक्का रिप्लाई कर ही देगी। लेट करेगी बट कर देगी। कर दूंगी। कीरत के द्वार में देह है, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, होता क्या है? हमने CA तो सुना है, CPA क्या होता है? तो जैसे इंडिया में CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे ही कनाडा में उसको कहते हैं चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो वो इक्वल टू CA ऑफ इंडिया इज इक्वल टू CPA इन कनाडा। तो जो CA अपना इंडिया में होता है, CPA अपना कनाडा में होता है, बस उतना ही फर्क है। किरण, मैंने सुना है कि CPA दो टाइप्स की होती है, एक होती है PEP, एक होती है PREP। इसका क्या अलग अलग मतलब है, क्या है ये? ओके, सो प्रेप जो होता है वो समझ लो लेवल 1 है, ठीक है। पेप है जो पीईपी, वो लेवल 2 है। ओके, तो पेप इज लाइक द फाइनल वर्जन। तो पेप तक जाने के लिए प्रेप करना पड़ता है पहले? करेक्ट, अभी मैं पेप के स्टेज पे हूँ। ऑलराइट, और प्रेप मैं लेवल 1 कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मेरी बीवी क्या करती है, ये तुम्हारे साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ बाय द वे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट पेप। Yes, जो आप कर रहे हो करंटली, मैं कर रही हूँ। इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं? ओके, सो पेप में सबसे पहले तो आपको प्रेप करे होने चाहिए आपके। अच्छा, ठीक है, फिर आप पेप में आ गए। ओके, तो मतलब कि प्रेप करा ही होना चाहिए तभी आप पेप कर सकते That's हो। Right. तो किरण, प्रेप में क्या करना होता है, कितने कोर्सेज होते हैं ये बताओ। ग्रेजुएशन आई एम अज्यूमिंग ये तो मस्ट होगी, सिर्फ बीकॉम वाली या फिर कोई भी? So that's right, graduation is a must अगर आपको prep courses भी करने हैं। Okay. वो ये जरूरी नहीं है कि आपके accounting या business में ही graduation हो, आपकी graduation engineering में भी हो सकती है, medical में भी हो सकती है। But engineering वाला बंदा और medical वाला बंदा आ सकता है इस side पे? They जैसे MBA वाले कहते हैं ना कि अगर आपकी different field है, you will be even more advanced and आपको हर जगह की knowledge होती है। So they don't mind the same thing in CPA as well. Okay. Unless you clear all those other levels. Exactly. Okay. मेरे इनफैक्ट क्लासमेट्स थे, बहुत क्लासमेट्स जिन जो एक मेरी फ्रेंड थी जिसका मेडिकल से बैकग्राउंड था एंड वो CPA prep course कर। तो गाइस, ये चीज जो मुझे कोई आइडिया नहीं थी, आई डोंट थिंक आपको भी होगी, वो ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यू कैन कम एंड डू योर CPA प्रोग्राम। आप प्रेप लेवल से शुरू कर सकते हो एंड आपने अगर ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, इंजीनियरिंग की हो, तो वो भी आप आ सकते हो, वो भी आप अकाउंटिंग प्रोफेशन चूज कर सकते हो। तो प्रेप में कितने कोर्सेज होते हैं? सो प्रेप में टोटल 14 कोर्सेज होते हैं। 14? यस। ओके, तो मैं एक लिंक डाल दूंगी जिसमें आप वो लिंक क्लिक कर लेना, उसमें सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से कोर्सेज उसमें होते हैं। ग्रेजुएशन मुझे पता है तूने बीकॉम करी हुई है, तो उसके बाद तो इंडिया से ये कोर्सेज करके आई थी, तो तेरे को रिपीट करने पड़े, कितना क्या क्या चीजें हुई थी सर? बहुत सारे लोगों ने लाइक बिजनेस अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी, जैसे मेरे पास बीकॉम थी, राइट, एंड मैंने जब यूबीसी में अप्लाई करा था तो 14 कोर्सेज थे जैसे मैंने आपको भी बताया। तो बीकॉम के लिए मैंने अपनी इवैल्यूएशन के लिए अपनी डिग्री सबमिट करी थी, दे इवैल्यूएटेड कि मैंने ऑलरेडी जैसे इकोनॉमिक्स कर रखी थी बीकॉम में, मैंने स्टैट्स कर रखा था बीकॉम में, तो मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स की एग्जम्पशन मिल गई। तो 14 में से सिर्फ दो की एग्जम्पशन मिली। ओके, बाकी उन्होंने मेरा बेसिक अकाउंटिंग भी नहीं एक्सेप्ट करा था, टैक्स भी नहीं एक्सेप्ट, टैक्स भी नहीं, क्योंकि इंडिया का और कनाडा का अलग-अलग होगा, अलग-अलग था, दैट्स राइट, तो वो नहीं एक्सेप्ट। तो तुझे ओके, तो जो आपने चीजें करी होंगी आपको उसी एग्जम्पशन मिल सकती है। हाँ। और अदरवाइज आपको बाकी कोर्सेज करने ही पड़ेंगे, तो तेरे को 12 कोर्सेज करने पड़े। हाँ। प्लस मैंने डगलस में भी दो कोर्स ऐसे कर रखे थे कि मुझे उसकी भी एग्जम्पशन, टोटल मुझे 4 कोर्सेज की एग्जम्पशन। बट वो तो सबके साथ नहीं होगा, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी इज गोना फॉलो योर फुटस्टेप्स, दैट्स राइट, आई होप पीपल डू, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं होता, तो तेरे को डगलस की वजह से भी 2 मिल गए। तो अगर कहीं ना कहीं आपने वो कोर्स पहले किया है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। मिल जाएगी। अब पेप में क्या होता है ये बताओ। यहाँ से मेन शुरू होता है। देखो, लोग क्या करते हैं,
इनफैक्ट नहीं, प्रेप फुल टाइम स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। पेप को आप पार्ट टाइम वन मॉड्यूल एट अ टाइम करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि पेप में कितने कोर्सेज होते हैं। तो पेप में मेरे ख्याल से होते हैं 6, ये मुझे पता है। और फिर ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ तुम दोस्तों, मुझे 3 बातें और पता है। पेप में आपके टोटल 6 कोर्स होते हैं, कोर 1, कोर 2 और इलेक्टिव 1। इसके आगे तक मेरी बीवी ने मुझे समझाया नहीं आज तक, क्योंकि अभी मैं करंटली इलेक्टिव 1 कर रही हूँ, तो मेरे पूछो को इतना ही पता है। कीरत ने कोर 1 कर लिया, कोर 2 कर लिया और इलेक्टिव 1 अभी कर लिया, ये कीरत की जर्नी है। तो होता क्या है, सीपीए में आपको हर कोर के लिए आपका 2.5 महीने बाद एक एग्जाम होता है, और उसके बीच में आपको मल्टीपल टाइम असाइनमेंट दी जाती है। जहां तक तुम अभी तक की वीडियोस अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा हम हर बार यही क्रिप करते रहते हैं कि इसको पढ़ना है, कि ये कर रही है, वो कर रही है। सो हर फ्राइडे को आपकी एक असाइनमेंट होती है जो आपको करना होता है, और 2 महीने के बाद आपका ये एग्जाम होता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट कोर में जा पाते हो नहीं जा पाते हो उसके बाद पता लगता है। एग्जाम देते ही रिजल्ट आ जाता है 15 दिन के बाद, 15 दिन तक आप खुश मना सकते हो। तो पहले मैं बता देती हूँ कि पेप में कितने कोर्सेज होते हैं। मेरे बेबी को सिर्फ 3 पता है अभी तक। मैंने बताया 6 होते हैं, तो 6 कोर्सेज होते हैं। लेट मी गेस द 4th वन, इलेक्टिव 2। तो 5th वाला बता दे, मैं 6th वाला भी बता दूंगा। 5th वाले का क्या नाम है? कैपस्टोन 1, कैपस्टोन 2 और कैपस्टोन फाइनल। 6 कोर्सेज होते हैं पेप में, कोर 1, कोर 2, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 एंड उसके बाद कैपस्टोन 1, कैपस्टोन 2, फिर उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम देना होता है। आप ये नहीं है कि साइड बाय साइड दोनों कोर्सेज नहीं कर सकते, तो इसमें एक क्लियर होगा तभी दूसरे में जाओगे, दूसरा क्लियर होगा तीसरे में जाओगे। हर एक मॉड्यूल 2 मंथ्स का, 8 वीक्स का हो गया। 8th वीक में फाइनल एग्जाम देते हो, 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। एवरी फ्राइडे जैसे प्रियांशी ने बोला मेरी असाइनमेंट सबमिशन होती है, ट्यूजडे को क्विज ड्यू होती है, तो ऐसे पूरा मैं कहूंगी आपको पूरे वीक में एटलीस्ट 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप असाइनमेंट वो कर सकते हो। पूरे हफ्ते में? पूरे हफ्ते में। तो दिन के 2 घंटे आप करे जा सकते हैं। दिन के ऑफिस के बाद 2-3 घंटे पढ़ लो। एंड डू यू नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क एक्स आप सीपीए फाइनल एग्जाम से पहले पहले? हाँ, तो जब फाइनल आपको सीपीए बनना है, यू नीड टू हैव 30 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तकरीबन बच्चे जब पेप कर रहे होते हैं, दे आर वर्किंग फुल टाइम एज वेल। दैट्स व्हाई दे आर डिजाइन्ड, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन्ड कि बच्चे फुल टाइम काम भी कर सकें और ही पढ़े। तो कह रहे, मैंने ये भी सुना है कि सीपीए बहुत एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज सुना गया है, हमने खुद फील किया जब तू पे करती है सब कुछ। सो पर कोर्स की कितनी फीस रहती है? $1,325 $1,325 है। हाँ। और ये यूएसए कैनेडियन है? कैनेडियन है। So, $1,325 आपकी फीस रहती है, तो आपको 6 बार देना होता है। बट यहाँ पे एक प्रो टिप है जो कीरत बताने वाली है। So, प्रो टिप ये है, अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, पब्लिक फर्म या फिर इंडस्ट्रियल एज वेल, तो आपके एम्प्लॉयर्स ये स्पॉन्सर कर देते हैं। बस इसमें एक कैच है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूर होता है कि हर वो वेरिएट करता है कंपनी टू कंपनी, कि वंस यू बिकम सीपीए आपको उनके साथ 2 साल काम करना होगा, 3 साल काम करना होगा, और अगर नहीं कर रहे तो आपको वो फी रिटर्न करनी होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो? ओके, सो सीपीए में आपको 30 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ये रैंडम कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना होता, इट शुड बी विद इन अकाउंटिंग। एंड आपको ये 30 मंथ्स में सिर्फ एक ही जॉब नहीं, विदिन दैट जॉब आपको कवर होने चाहिए सर्टन एक्सपीरियंस। यू शुड बी एबल टू गेट सम एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सम डेप्थ इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, या फिर कोई भी आप जो इलेक्टिव चूज करोगे उसके रिलेटेड भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 ऑप्शंस होती हैं सीपीए वालों में, तो या तो आप एक प्री अप्रूव्ड प्रोग्राम में जाओ, जैसे पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, बिग फोर्स होती हैं, उनका प्री अप्रूव्ड ऑलरेडी होता है। बिग फोर्स गाइस, EY, KPMG, Deloitte और PwC। तो बिग फोर्स होती हैं, या फिर स्मॉल टू मीडियम पब्लिक फर्म्स भी होती हैं, वो प्री अप्रूव्ड प्रोग्राम्स के अंडर आती हैं। एंड उन्होंने अपनी जॉब ही ऐसे डिजाइन करी होती है, वो सारा जो वर्क एक्सपीरियंस सीपीए रिक्वायर करती है वो कवर करती है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन होती है इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, जहाँ पे तू है। हाँ, जहाँ पे मैं आई वर्क फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी which is working for a particular in a particular industry and मैं उसकी कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रही हूँ। ठीक है, एंड उसके लिए इट्स नॉट प्री अप्रूव्ड,
तो मेरे को वेरीफाइड एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाना होता है। तो कीरत की मैनेजर अगर आप देखो की बात है, वैसे आई डाउट दैट यू वॉच हिंदी वीडियोस, बट जस्ट इन केस इफ यू डू, सो डू वेरीफाई कीरत का अकाउंट, ऑलराइट, थैंक्स। हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में आपको खुद अपना एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाना होता है। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हमें भेजे, सो दैट आपके आंसर्स मिल जाए आप लोगों को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू डन सीए? नो, मैंने इंडिया से सीए नहीं करी थी। मेरे को यहाँ पे, मैंने जैसे बोला, मैंने भी प्रेप कोर्सेज करे हैं एंड उसके बाद लाइक आई एम डूइंग पेप कोर्सेज। हाउ डू यू मैनेज टू प्रिपेयर एंड हाउ डिड यू मैनेज टू प्रिपेयर फॉर योर सीपीए विद योर वर्क शेड्यूल? तो देखो, सीपीए में फुल टाइम आपको जनरली सभी करते हैं, सो यू हैव टू स्केड्यूल, मेक स्केड्यूल अपना ऐसे कि घर वापस आके काम के बाद 2-3 घंटे असाइड करके थोड़ा पुश करना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ता है, कभी घर पति से लड़ना पड़ता है, क्रैंकी होना पड़ता है, ये कभी कभार पति को कहना प्लीज आज बर्तन तुम धो लो। ये क्वेश्चन कीरत से मेरे से पूछो, इज इट नेसेसरी टू गो फॉर सीपीए और जस्ट कंप्लीटिंग प्रेप कोर्सेज कुड लैंड वन अ गुड करियर? डेफिनेटली आपको कोई जरूरत नहीं है सीपीए लाइक करने की अगर आपका नहीं दिल। Prep can also take you to a good job. It can land you a good job. I have seen personally, my personal manager, मैंने अभी तक जितने भी companies में काम कर रखा है, मेरे managers were not CPA. Okay. Controllers were, managers were not. तो कंट्रोलर मैनेजर ऐसे होते हैं। प्रेप से भी तुम कर सकते हो, तुम उस मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हो, बट उसमें फर्क क्या होगा, तुम्हें 4-5 साल लग सकते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते। जैसे इंडिया में एमबीए होता है तो उसका बंदा 2 साल में उस लेवल पे पहुंच जाता है, जब तुम कोई पढ़ाई लिखाई करके पहुंचते हो तो थोड़ा सा तुम्हारी वैल्यू ज्यादा करी जाती है इन मार्केट, दैट्स अ बेसिक थिंग। उसके बाद एक बात मैं और कहता हूँ कि जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज अगर तुम प्रेप करके भी एक्सपीरियंस लेते हो तो तुम्हारा एक लेवल के बाद एक तुम्हारी जो सैलरी उस पर कैप आ जाएगी। मेहनत करते करते 80,000 तक पहुंच गए, 80,000-90,000 तक पहुंच गए, मैं कह रहा हूँ $1,00,000 तक भी पहुंच गए, विच इज अ वेरी बिग थिंग बाय द वे, बट चलो तुम पहुंच गए, यू आर वन ऑफ द केस। उसके बाद भी एक ना एक टाइम आएगा तुम्हारे एम्प्लॉयर सोचेगा यार मैं इसको दे रहा हूँ, एक फ्रेशर बंदे को दोबारा सिखाऊंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा भी लूंगा, 60,000 में वो आ जाएगा, व्हाई विल आई स्पेंड 40,000 एक्स्ट्रा? बहुत सही पॉइंट बोला मैंने। एंड उसी के बाद जो तुम्हारा सीपीए होता है उस पर कोई कैप नहीं होती, कल को तुम सीपीए लेवल पे तुम बढ़ सकते हो, कोई और बड़ी कंपनी में चले गए तुम्हारी और सैलरी हो जाएगी, एंड देन यू कैन बी कंट्रोलर एंड देन नेक्स्ट लेवल थिंग्स लाइक दैट, सीएफओ, कंट्रोलर, सो देयर इज नो कैप ऑन इट। एज अ करियर वाइज यू विल बी एट द टॉप ऑफ योर थिंग एंड उसके बाद यू कैन जस्ट वर्क एंड देन योर सैलरी विल इंक्रीज, बट दूसरी जगह पे कैप आ सकती है, दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज़ सीपीए इज लाइक द हाईएस्ट डेजिग्नेशन दैट यू कैन अचीव इन अकाउंटिंग फील्ड, राइट? तो नेक्स्ट इंसान थोड़े से ज्यादा डायरेक्ट हो गए, उन्होंने पूछा है व्हाट वाज योर पैकेज आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम टैप? ज्यादा ही डायरेक्ट हो गए हैं, बट आई विल बी ऑनेस्ट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गिव अ रेंज ऑफ व्हाट पैकेजेस दैट यू जनरली गेट। जनरली ब्रैकेट होती है $35,000 to $50,000। ओके, सीपीए कॉलेज से होती है या किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे इंडिया में ICAI इंस्टीट्यूट है सीए से, ऐसे क्या कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट है, जैसे ही इंडिया में है वैसे ही यहाँ पे सीपीए डेजिग्नेशन एक इंस्टीट्यूट से ही होती है। सीपीए से पहले कोई कोर्स करना पड़ता है जिसने इंडिया से बीकॉम करी हो? लाइक आई सेड, अगर आपने इंडिया से बीकॉम कर रखी हो तो आपको प्रेप करना है, सब याद है मुझे। आपको कुछ कोर्सेज के लिए एग्जेम्पशन मिल सकती है बट सारे के लिए बिल्कुल नो क्वेश्चन, यू आर जस्ट ब्यूटीफुल सोल एंड वेरी हेल्पफुल, स्टे ब्लेस्ड। Moving on. Thank you. Is it tough as Indian CA because I couldn't even complete my IPCC in India? देखो, मैंने इंडिया में सीए नहीं करी, but I have heard के CPA is little easier than India की CA. India का law भी बहुत complicated है, you all know. यहाँ पे इतना नहीं है, and I think it's doable. Are there any papers exempt for students after completing CA? Yes, for sure. I think जिन्होंने इंडिया से CA कर रखी हो, उनको सिर्फ final exam देना होता है यहाँ पे, CP exam जो होता है. Really? हाँ. वो 3 days का एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, दे हैव टू डू दैट। कैन वन स्टार्ट सीपीए फ्रॉम इंडिया? नहीं, बिकॉज़ आपको अभी कोविड के कारण सब ऑनलाइन है, बट जनरली दे कैन, आई थिंक लास्ट अभी दिसंबर तक लास्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद क्लासेस, असाइनमेंट सब ऑनलाइन होती है, लेकिन वर्कशॉप होती है जो आपको इन पर्सन लगानी होती है। और जो प्रेप वाले कोर्सेज है उसके भी शायद बच्चे को यहीं आना पड़ेगा? हाँ, तो आप नहीं कर सकते एग्जाम, तो आपको इन पर्सन ही देना होगा। हाउ मच टाइम कैन वन कंप्लीट सीपीए?
सो सी पी ए लाइक आई सेड 6 मॉड्यूल्स होते हैं, ईच मॉड्यूल इज फॉर 8 वीक्स, बीच में एक महीने की गैप होता है, छुट्टी का होता है. तो आप एक साल में 4 कोर्सेज कर सकते हो, 4 मॉड्यूल, दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू. एंड उसके बाद अपने आप को पूरा पुश करके, एंड उसके बाद जो कैपस्टोन 1 और कैपस्टोन 2 है वो भी आप सेम ही होता है, तो डेढ़ साल में आप, डेढ़ साल में आप कर सकते. और अगर मैं रुक रुक के करना चाहता तो कर सकते हैं? हाँ, रुक रुक के भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बैक टू बैक कोर्सेज लेने हैं मॉड्यूल्स. इज दिस कोर्स टॉट इन सम कॉलेज और यू जस्ट स्टडी बाय योर ओन एंड गिव एग्जाम्स? दिस इज ऑल बाय योरसेल्फ. कॉलेज में भी होता है, अगर आप मास्टर्स डिग्री में जाओगे तो बहुत सारी मास्टर्स डिग्री हैं जो कि सीपीए पेप कवर करती हैं. आई विल पुट डाउन द लिंक बिलो जहाँ पे आप उस मास्टर्स के लिए जा सकते हो एंड दे विल कवर फॉर सीपीए पेप. And you just have to write final exam. Right now, I am doing with online जो CPA वालों के साथ है, and I'm preparing by myself and giving the exam. What is your career advice to the candidate who is weak in studies and planning to do CPA? दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम वीक हो क्योंकि तुम्हारे वीक के स्पेलिंग गलत है. तो देखो, आई एम ऑल इन फॉर स्टूडेंट्स जिनके नंबर कम आते हैं. मैं मना नहीं करता कि ठीक है यार चलो, हर एक किसी का एक फोर्टे होता है, किसी का नहीं हो पाता, कोशिश कर लो, डन. बट मैं साथ साथ एक बात कह रहा हूँ, इंसान को ना अपनी वीकनेसेस समझनी बहुत जरूरी है. इफ यू थिंक दैट एंड यू नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू आर नॉट गुड इन स्टडीज, आई डोंट थिंक दैट यू शुड पुट योर सेल्फ इन सच अ हार्ड पोजिशन वेर यू हैव टू बी सराउंडेड विद द बुक्स ऑल द टाइम. What I would suggest you to do is find your passion. Think ki what are the things that you can do after your graduation, what is the career that you actually want to pursue, and usme kuch internship karo. Find a way out there. Other than thinking because koi ek insan CPA kar raha hai ya scope hai, because I hate for a matter of fact that people think ki opportunities, matlab log saade message karte hain ki yaar ye career acha hai, wo career acha hai. Bhai career sare acche hain duniya mein. Dekho, ek badi simple si baat batata hu main. तुम क्या चूज करोगे, दुनिया का एवरेज डॉक्टर होना या फिर दुनिया का बेस्ट फैशन डिजाइनर होना? एंड अल्टीमेटली अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो, तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए दुनिया का बेस्ट फैशन डिजाइनर होना. पिक एनीथिंग दैट यू आर एक्सट्रीमली गुड एट. अगर कोई, मैं फिर भी इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट वीक है स्टडीज में तो उसको कैसे सीपीए के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या एडवाइस देगी? देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े वीक हो एंड यू स्टिल वांट टू परस्यू सीपीए, आपको बस ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा पढ़ने में, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे. अगर एक बंदा बहुत जल्दी चीज़ें कर पा रहा है, लाइक सपोज करो कोई चैप्टर को एक घंटे में कर रहा है, आपको डबल टाइम लगाना पड़ेगा बिकॉज आपको ऑब्वियसली यूर लिटिल, अगर आप वीक हो. बट साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि अब थोड़ा सा सीरियस एडवाइस भी देंगे तुम्हें, वो ये है कि यार तुम्हें ये समझना होगा कि तुम थोड़े स्लो हो पढ़ाई में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कीरत कोई चीज़ पढ़ती है, मैं वो चीज़ एक मिनट में पढ़ लूंगा कि वे दो मिनट में पढ़ेगी और मैं समझ लूंगा उसको, या फिर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है. अब अगर मान लो, जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट गुड इन स्टडीज, एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ आई अप्लाई फॉर सीपीए, बिकॉज जस्ट बिकॉज कीरत इज डूइंग सो एंड कीरत कैन अर्न अ लॉट, आई ऑल्सो फॉलो हर फुटस्टेप, तो मैं भी ये सोचूंगा मेरे को, मैं भी लग लूँ, मुझे कुछ आता ही लाइफ में क्योंकि मुझे सीपीए समझ में नहीं आती. तो प्लीज फाइंड द राइट करियर फॉर योरसेल्फ. सो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे थे, एंड बहुत सारे रेपिटेटिव भी थे तो हमने वो सारे स्किप कर दिए हैं. अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स, अदरवाइज हमें डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको लगा है कि यार हमें सीपीए के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. दिस विल हेल्प अस एंड दिस विल हेल्प द चैनल कि वो और लोगों तक पहुंचेगा और लोग ये वीडियो देख पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन.